अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना असगर अली। दोस्तों यहां पर आपके लिए खुशी की खबर एक बहुत बड़ी है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन्स की प्राइसेस कम हो चुकी हैं। तकरीबन 15,000 रुपये तक आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि टैक्स 18% लग गए हैं पाकिस्तान में और फ़ोन्स महंगे होते जा रहे हैं। ये प्राइसेस कैसे कम हो गई? बस ऐसे ही हो गई। आप वीडियो कंप्लीटली देखेंगे तो हकीकत जान पाएंगे। और उसके बाद प्राइसेस अप भी हुई हैं। अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि प्राइसेस डाउन भी हुई हैं और अप भी हुई हैं, ये क्या चक्कर चल रहा है। ये सारा कुछ आपको बताते हैं दोस्तों, अब किन फ़ोन्स की प्राइसेस डाउन हो चुकी हैं और किन फ़ोन्स की प्राइसेस अप हो चुकी हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, ये इंशाल्लाह सारा कुछ आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा। टाइम को ज़ाया नहीं करते भाई। यहाँ पर सबसे पहले एमरजेंसी में जो फ़ोन्स प्राइसेस कम हुई हैं वो आपको बताते हैं दोस्तों। इसकी वजह ये कि टैक्स लग गया है, थोड़े फ़ोन्स महंगे आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपने जो ओवर से ओवर प्राइस फ़ोन है उनका बायकॉट लाजमी जारी रखना है। इतना आपको याद रखना है, खाम खा वो फ़ोन नहीं खरीदने, खुद ही प्राइसेस कम आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने। वो इतने महंगे फ़ोन हुए थे, टैक्सेस लगे थे, हालांकि डॉलर भी महंगा था, प्राइसेस कैसे गिरती हैं, अब भी महंगा है डॉलर। तो इसी तरीके का आपने ख्याल रखना है थोड़ा। यहाँ पर इनफिनिक्स नोट 40 की प्राइस कम हुई है, 55,000 रुपये से 50,000 रुपये हो चुकी है 8GB 256GB वाले वेरियंट की। तो ये अब कुछ ठीक प्राइस में आ चुका है इनफिनिक्स नोट 40। तो प्राइसिंग 50,000 हुई है, लेकिन डिस्काउंट आपको मोर मिल के 2,000-4,000 का, तो आपको और कम मिल सकता है दोस्तों। ये फ़ोन जहाँ से आपको मिले आप बाय कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर है भाई, अफवाहें उड़ी हुई हैं कि भाई मोटरोला का फ़ोन 75,000 से 70,000 का हो चुका है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में। 75 का था 70 पे आ चुका है और इसका डिस्काउंट करके तकरीबन 66 का मिल रहा है दोस्तों ईजिली मार्केट में। मोटरोला का G84 की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको डिस्काउंट करके तकरीबन इतने तक मिल जाएगा। उसके बाद है भाई ज़्यादा प्राइस कट जो लगा है पोको के फ़ोन पे, C65 जो बहुत महंगा लॉन्च किया था, 45,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च किया था 8GB 256GB वाला, लेकिन एकदम से 13,000 का प्राइस कट लगा है। ये हो गया है फ़ोन 32,000 रुपये का और मजीद डिस्काउंट 2,000 का करके 30 तक मिलना चाहिए इजीली आपको, तो 15,000 का डिस्काउंट हो गया दोस्तों। तो ये आपको टोटली मिल जाएगा दोस्तों इतने में। और एक और फ़ोन है, उसकी ऑफिशियल प्राइस कम नहीं हुई लेकिन बहुत कम मिल रहा है, 55,000 रुपये प्राइस है, टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus की, 55,000 रुपये, 8GB 256GB वाली, कर्व्ड यहाँ पर फ़ोन दिया गया है, कर्व्ड एमोलेड वाला। वो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ तकरीबन 48,000 के करीब मिल रहा है। हाल ही में डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन शायद और भी कम मिले कहीं पर ऑनलाइन भी, और भी आप कम हासिल कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन 7,000 से 8,000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 8GB 256GB वाला। तो स्पार्क 20 Pro Plus की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये चार फ़ोन्स हैं और इसके अलावा जिन फ़ोन्स की प्राइसेस बढ़ी हैं दोस्तों वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फिनिक्स के फ़ोन हैं। तो आपने ये सोचना है भाई दूसरी कंपनीज ने बढ़ाए नहीं प्राइसेस, तो इसने कैसे प्राइसेस बढ़ा दिए? अब आपको मैं देख के बता रहा हूँ कि प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं। तो सबसे पहला फ़ोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8, जी हाँ 4GB 64GB वाला। ये दोस्तों 22,000 की प्राइस में था, ये हो गया 24,500 की प्राइस में, तकरीबन 2,500 का यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर हुआ ये फ़ोन। तो ये मैं समझता हूँ फ़िलहाल ज़्यादती है कस्टमर्स के साथ कि पहले ये फ़ोन ओवर प्राइस हैं, उस हिसाब से ठीक प्राइस में कुछ चल रहे हैं, तो इन्हें ओवर प्राइस करके क्या फ़ायदा, लोग नहीं बाय करेंगे। दूसरे नंबर पर स्मार्ट 7 HD जो चल ही नहीं रहा, यहाँ पर 2GB 64GB वाला, ये 19,000 रुपये में अब 21,000 में हो गया है, 2,000 का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। और उसके बाद इन्फिनिक्स का हॉट 40 आया जो कि कुछ हद तक चल रहा था 8GB 128GB वाला, ये दोस्तों 28,500 में था 32,000 की प्राइस में चला गया है, 3,500 का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, डिसअपॉइंट वाला मामला है कि इन्फिनिक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्फिनिक्स हॉट 40 जिस पे मैं शायद बेस्ट डील भी बनाने वाला था, लेकिन अब मुश्किल। यहाँ पर 8GB 128GB वाला, ये दोस्तों था 30,999, अभी ये 35,000 में चला गया है, 4,000 का प्राइस कट लग गया है, प्राइस कट कह रहा हूँ, प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो ये चार फ़ोन्स की प्राइसेस दोस्तों अप हो चुकी है और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, शायद इनको देखकर दूसरी कंपनीज भी प्राइसेस बढ़ाएं, तो तैयार हो जाइए। लेकिन प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगा, कम प्राइस में नहीं टैक्स लगा। कंपनीज को चाहिए अपने कस्टमर्स को जो है वो आसानियाँ पैदा करे कस्टमर्स के लिए और अच्छे पैसों में फ़ोन्स प्रोवाइड करे, कोई मसला नहीं 1,000-2,000 का, लेकिन आपने बायकॉट जारी रखना है जो ओवर से ओवर प्राइस फ़ोन होते जा रहे हैं।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्यादा आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।